हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल सेफ्टी के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि जो भी केमिकल्स हम हैंडल करते हैं तो उसमें हमें कौन से हजार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल सेफ्टी यानी कि होता क्या है। तो केमिकल सेफ्टी यानी कि जो भी केमिकल्स को हम हैंडल कर रहे हैं उसको सेफ प्रैक्टिस करना, यानी कि उस केमिकल में जो भी हजार्ड्स है उसको मिनिमाइज करना, ताकि उस हजार्ड से होने वाले जो भी अफेक्ट है पब्लिक को हो या फिर उसकी वजह से कोई पर्सनल हेल्थ होने वाली हो उसको हम कम कर सके। यानी कि ओवरऑल जो भी केमिकल्स है उसको सेफली हैंडल करना और उसमें जो हजार्ड इन्वॉल्व है उसको कम करना, ताकि उसकी वजह से पब्लिक के ऊपर या फिर पर्सनल हेल्थ के ऊपर जो भी अफेक्ट हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सके, उस हजार्ड को कम कर सके। केमिकल सेफ्टी में इंक्लूड होता है वो सभी पॉलिसीज हो, प्रोसीजर्स हो या फिर प्रैक्टिसेस हो जो डिजाइन किए गए हैं उस पोटेंशियल जो भी हजार्डस केमिकल्स है उनके लिए, ताकि उनका जो एक्सपोजर है और उस एक्सपोजर से होने वाली जो भी रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सके। यानी कि पोटेंशियली जो भी हजार्डस केमिकल्स है उसका जो एक्सपोजर है उसकी वजह से जो भी रिस्क होने वाली है उसको कम कर सके, ऐसी जो भी पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है या फिर प्रैक्टिसेस है वो सारे केमिकल सेफ्टी में इंक्लूड होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि केमिकल को जब हम हैंडल करते हैं तो उसमें कौन से हजार का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो केमिकल हजार्ड ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसमें पोटेंशियल होती है कि जिसकी वजह से लाइफ को या फिर हमारी हेल्थ को जो है नुकसान हो सकता है। जनरली केमिकल हजार्ड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है फिजिकल हजार्ड और दूसरा है हेल्थ हजार्ड। फिजिकल हजार्ड यानी कि जो हमारी बॉडी को फिजिकली जो है वो हार्म कर सके, नुकसान कर सके, और हेल्थ हजार्ड यानी कि जो हमारे हेल्थ के ऊपर हार्म कर सके, नुकसान कर सके। खासतौर से देखा जाए तो हेल्थ हजार्ड में फिजिकल हजार्ड भी आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जानते हैं फिजिकल हजार्ड के बारे में। तो सबसे पहला हजार्ड है वो है एक्सप्लोजिव का, जैसे कि एसिटिल नाइट्रेट हो, एसीटोन पेरोक्साइड हो, तो ये जब भी हम केमिकल को हैंडल करते हैं तो उसकी वजह से एक्सप्लोजिव हो सकता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है कंबस्टेबल एंड फ्लेमेबल, तो जैसे कि मिथेनॉल हो या फिर इथेनॉल हो, ये केमिकल को जब भी हम हैंडल करते हैं तो वो जो केमिकल है वो जल्दी से कंबस्टेबल हो जाता है और वो फ्लेमेबल भी है, यानी कि वो ज्वलनशील है और जल्दी ही आग पकड़ लेता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है कॉम्प्रेस गैस, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर आपने देखा ही होगा, तो एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है, तो वो जो है वो कॉम्प्रेस गैस है जो इसमें एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है वाटर रिएक्टिव सब्सटेंस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करे तो वो हमें फिजिकली नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि सोडियम हो, पोटेशियम हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो ये जो केमिकल्स है ये अगर पानी के साथ अगर रिएक्टिव अगर हो जाए तो वो हमें फिजिकली नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है ऑक्सीडाइजर, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट हो, तो पोटेशियम परमैंगनेट अगर हवा में अगर खुला अगर हो जाता है तो वो ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको कम करता है और उस पोटेशियम परमैंगनेट से भी हमें फिजिकली नुकसान हो सकता है। चलिए अब जानते हैं हेल्थ हजार्ड के बारे में। तो केमिकल जो है वो हमारे बॉडी में चार तरीके से अंदर जा सकते हैं। तो पहला है इनहेलेशंस, यानी कि बाय ब्रीथिंग, यानी कि जब हम सांस लेते हैं उसके जरिए भी केमिकल जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है। दूसरा है एब्जॉर्प्शंस, यानी कि बाय स्किन के जरिए या फिर आंखों के जरिए भी ये हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है। तीसरा है इंजेक्शंस, यानी कि बाय माउथ, यानी कि हमारे माउथ के जरिए भी ये केमिकल इंटर कर सकता है। और चौथा है इंजेक्शंस, यानी कि बाय एक्सीडेंटली अगर कोई इंपैक्ट हो जाता है या फिर कोई केमिकल का अगर हमें कट लग जाता है या फिर कोई अगर पंचर हमारे हाथ में हो जाता है, यानी कि अगर कोई कट लगने से हमारे अगर हाथों से अगर खून निकलता है और वहां से भी जो है ये केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है। तो ऐसी जो है केमिकल्स की चार एंट्री होती है जो हमारे बॉडी के अंदर जा सकती है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद का हेल्थ हजार्ड है वो है टॉक्सिक, यानी कि पॉइजनस, यानी कि जहरीला, जैसे कि मर्क्यूरी के वेपर्स हो या फिर स्नेक का वेनम हो, यानी कि सांप का जो विष है वो एक टॉक्सिक होता है, तो वो भी जो है अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर जाता है तो वो हमें हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। फिर उसके बाद का हेल्थ हजार्ड है वो है कोरोजिव, यानी कि जो भी कोरोजिव सब्सटेंस है वो हमारे बॉडीज के जो टिश्यूज है या फिर सेल्स है उसको डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर उसके बाद का हेल्थ हजार्ड है वो है इरिटेंट्स,
तो इसकी वजह से थोड़ा जल जाना या फिर हमारे स्किन के ऊपर भी इंजरी हो सकती है। फिर उसके बाद का हेल्थ हजार्ड है वो है सेंसिटाइजर्स, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर एलर्जिक जो है वो रिएक्शन हो सकती है। फिर उसके बाद का हेल्थ हजार्ड है वो है हेपेटोटॉक्सिन्स, तो इसकी वजह से हमारा लीवर जो है वो डैमेज हो सकता है। फिर उसके बाद का हेल्थ हजार्ड है वो है नेफ्रोटॉक्सिन्स, तो इसकी वजह से हमारे किडनी के सेल्स हो या फिर टिश्यूज हो उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। और फिर उसके बाद का हेल्थ हजार्ड है वो है न्यूरोटॉक्सिन्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो इस टाइप के केमिकल्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से हमें हेल्थ हजार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो केमिकल्स है इसको हैंडल करते वक्त हम इन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी केमिकल्स को हमें इंटेंशनली उसका स्मेल नहीं लेना है, उसको इनहेल करने की कोशिश नहीं करना है, या फिर किसी भी केमिकल का हमें टेस्ट भी नहीं करना है। तो ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी केमिकल्स है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना वो हमें अवॉइड करना है, और हो सके तो आपका जो फेस है, क्लोथेस है और शूज है उसको भी आपको उसके साथ दूरी बना के रखनी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी हजार्डस केमिकल्स है उसका इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपको उसका सही से डायरेक्शन दिया गया हो, यानी कि आपको जैसा डायरेक्शन दिया गया है उसी तरीके से उस हजार्डस केमिकल को इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब आपके पास अगर कोई नया रिएजेंट केमिकल्स अगर रिसीव होता है तो उसको ओपन करने से पहले आपने उसका जो वार्निंग लेबल्स है उसको जो है इमिडिएटली रीड करना है, ताकि आपको ये पता चल सके, आप इसके बारे में अवेयर हो सके कि उसके लिए आपने क्या स्पेशल स्टोरेज प्रिकॉशन लेने हैं, जैसे कि उसको रेफ्रिजरेशन में रखना है या फिर उसको स्टोर करने के लिए इनर्ट एटमोसफेयर की ज़रूरत है, तो ये आपको उस स्पेशल प्रिकॉशन से पता चल सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी केमिकल्स के कंटेनर्स हैं तो उसको आपको जो है पीरियोडिकली चेक करते रहना है कि उसमें कहीं रस तो नहीं लगा है, कोरोजन तो नहीं हुआ है या फिर कहीं से लीकेज तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए जो है आपको उसको पीरियोडिकली चेक करते रहना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सभी जो केमिकल मिक्सचर्स है तो उसको जो आपने लेबलिंग की है या फिर उसके ऊपर जो आपने डेट मेंशन की है तो उसको आपको जो है उसी प्रकार उसको रखना है, ताकि आप उसका फ्यूचर में जो है वो इस्तेमाल कर सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी केमिकल्स आप हैंडल करते हो तो उसके लिए जो है आपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आई प्रोटेक्शन के लिए आप सेफ्टी गॉगल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर केमिकल जो सूट है वो आप पहन सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि कोई भी केमिकल्स हो उसको आपने कभी भी किसी बॉटल में जो है वो डालना नहीं है, जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक प्रॉपर जो है इंडिकेशन वाला लेबल जो है वो नहीं लगता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आप किसी एसिड्स के साथ में काम कर रहे हो या फिर किसी भी फ्लेमेबल मटेरियल के साथ काम कर रहे हो तो तब आपने सेफ्टी जो ग्लासेस है उसको पहनना काफ़ी ज़रूरी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जहाँ कहीं भी हजार्डस केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा हो या फिर जहाँ कहीं भी ये जो हजार्डस केमिकल्स है इसको स्टोर किया गया हो, तो वहाँ पर आपने स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है या फिर कुछ खाना भी नहीं है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि केमिकल्स को जब आप यूज़ करते हो तो उसको आपने एडिक्वेट जहाँ पर वेंटिलेशन है वहीं पर ही इस्तेमाल करना है, और साथ में चेक करना है कि उसका MSDS वहाँ पर अवेलेबल है क्या, और इसके अलावा स्टैंडर्ड जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो काम करने की उसको भी आपको फॉलो करना है, और साथ में आपको चेक करना है कि कौन से टाइप का वेंटिलेशन वहाँ पर रिक्वायर है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि केमिकल को हैंडल करते वक्त अगर कोई केमिकल स्पिल हो जाता है तो उसके बारे में आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देनी है जो भी इंस्ट्रक्टर है उसको, ताकि वहाँ पर जो प्रॉपर क्लीनअप प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आप कोई हजार्डस मटेरियल को अगर हैंडल करते हो तो आपने जो है प्लास्टिक ग्लोव्स का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो स्किन कॉन्टैक्ट है उसको प्रिवेंट किया जा सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी सभी सॉल्यूशंस है जिसका आपने इस्तेमाल किया है तो जब आप उसको डिस्पोज करते हो तो आपको अप्रूव मैनर में करना है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्टर ने आपको डायरेक्शन दिए गए हैं कि इसको आपको इस तरीके से डिस्पोज करना है उसी मैनर को आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आप केमिकल को हैंडल कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई वॉश कहाँ पर है, शावर कहाँ पर है या फिर फर्स्ट एड किट जो है वो कहाँ पर अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत है वो किसी भी टाइम आ सकती है, इसलिए आप जो है इसके बारे में फैमिलियर होने चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशन जो है वो हमें लेने होते हैं जब भी हम केमिकल को हैंडल करते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा केमिकल सेफ्टी के बारे में, जिसमें हमने जाना कि जब भी हम केमिकल को हैंडल करते हैं तो उसमें हमें कौन से हजार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।